क्या आप YouTube शॉर्ट्स वीडियो के अंदर सब्सक्राइबर बटन लगाना चाहते हैं? सब्सक्राइब बटन आप लगाना चाहते हैं? जी हाँ, तो आपको लगाना है तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि हम इस टाइप के जब भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, नहीं तो हम उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के लिए उसमें सब्सक्राइबर बटन बहुत ही ज़रूरी है लगाना, ताकि कि उससे जो बंदा को सब्सक्राइब करने नहीं आता है वो देख कर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, या तो आपका सब्सक्राइब बटन उसके सामने वीडियो में जब भी प्ले होगा तो उसे याद आएगा तो वो सब्सक्राइब आपके चैनल को कर लेगा। यही इसका फ़ायदा होता है सब्सक्राइबर बटन लगाने का। तो गाइस, इसके लिए आप दो तीन स्टेप कर सकते हैं, जो कि काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, या तो फिल्मोड़ा से आप लगा सकते हैं, या तो वीटा ऐप से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं आपके सामने काइन मास्टर। आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको आप यूज कर लीजिएगा। चलिए, हमने काइन मास्टर यूज किए। आपको वीडियो पहले से शूट करके रख लेना है गाइस, आपको वीडियो पहले से शूट करके रख लेना है। उसके बाद आपको काइन मास्टर में आना है और आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए कौन सा, आपको ये बीच वाला जो 9.16 का रेशियो है इसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि खारा मोबाइल वाला जो रेशियो है उसी को आपको सेलेक्ट करना है, और लंबा वाला आपको रखना है। और रखने के बाद यहाँ पर आ जाना है, और आने के बाद उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो में आपको लगाना है सब्सक्राइबर बटन। गाइस, देख सकते हैं हमने इस वीडियो को ले लिए हैं, और लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सब्सक्राइबर बटन का जो इंट्रो है वो रखे हैं उसको आपको यहां से फिर से ले लेना है। और लेने के बाद देखिए, मैं उसको ले लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड हमने करके रखे हैं। अगर इस टाइप के आपको इंट्रो सब्सक्राइब बटन आपको नहीं बनाना आता है तो इस पर मेरा ऑलरेडी एक पहले से वीडियो है जिसमें हमने बताए हैं आपको बहुत अच्छे तरीका से। दो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। आप बटन खुद से क्रिएट आप अपने चैनल के नाम के साथ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको हमने देखिए, यहाँ पे हमने इसको ला लिए हैं, और लाने के बाद इसको थोड़ा हम भगा लेंगे, यानी कि इसको हमको जहाँ रखना है वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, हम रखते हैं बीच में, और बीच की तरफ रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसका क्रोमा की इनेबल करके हमें इसका जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हटा लेना होगा। और जब ही हटाए तो देख सकते हैं गाइस ये हट गया है, और हटने के बाद इसको हम कुछ इफेक्ट दे देंगे ताकि ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो चलिए, हमने दे दिए ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ हम देंगे। और देखिए, हम यहाँ से स्लाइड डाउन कर लिए, और डाउन करने के बाद इसको हम प्ले करते हैं अब आपके सामने। अब इसको हम प्ले करते हैं, देखिए आपके सामने कैसे ये चलेगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आ गया है, और आने के बाद देखिए। तो गाइस, इस तरह से आपको लास्ट में लगाना है ताकि ऑडियंस ना बोर हो, और लास्ट में आपका सब्सक्राइबर बटन रहेगा जिससे कि कोई बंदा आकर आपके वीडियो को देखेगा जो सब्सक्राइब कर लेगा आपके चैनल को। और इसे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने इसको देखिए, हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट में लगाए, और लगाने के बाद इसको हम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपको एंड स्क्रीन लगाना है तो जिस तरह से आप सारे वीडियो में एंड स्क्रीन लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको एंड स्क्रीन या आई बटन में वीडियो का लिंक देना नहीं आता है तो वो सारा पे कमेंट कीजिए, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें हम आपको ये सारा चीज़ डिटेल में सिखाने वाले हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।